A very good morning to all. I am Vijit Sharma, assistant professor from the Department of Home Science. So today we will talk about the balanced diet. What is the balanced diet and what kind of food we should include to our diet so that we can stay healthy and disease free. So what is the balanced diet? A balanced diet is a diet that contains different kinds of foods in certain quantities and proportions so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate and a smooth provision is reversed फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स. यानी बैलेंस डाइट क्या है? ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारे सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. यानी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं. क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारे सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, यानी जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है वो प्रेजेंट है, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. ओके, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट? अब बैलेंस डाइट लेने के बेनिफिट्स क्या है, क्या फ़ायदे क्या हैं हमें बैलेंस डाइट लेने के? नंबर वन, प्रिवेंट्स डिजीज एंड इन्फेक्शंस. व्हेन यू ईट द फुल रेंज ऑफ विटामिंस, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यू इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम एंड योर हेल्दी डाइट मे हेल्प प्रिवेंट डिजीजेज लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड स्ट्रोक. यानी ये क्या करती है बैलेंस डाइट? अगर हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन से. ठीक है, यानी अगर हम क्या ले रहे हैं कि विटामिन्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, मिनरल्स ले रहे हैं, जो हमें किनसे मिलते हैं? हमारे फ्रूट्स से. और किससे मिलते हैं? जितनी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिलते हैं. तो अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे हैं कि हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी. हमें किसी भी तरह की कोई जो हमारी क्या है बड़ी डिजीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, उससे हमें हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करती है. हेल्प्स यू कंट्रोल योर वेट. बैलेंस डाइट दूसरा का काम क्या काम करती है, क्या बेनिफिट देती है हमें? हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. यानी हम क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं कि अंडर वेट होते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, यानी उनका बॉडी वेट क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर है. तो हमारी बैलेंस डाइट क्या करती है, बॉडी के जो वेट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है. मोस्ट पीपल एट सम पॉइंट वॉन्ट टू लूज वेट और गेन वेट. ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प्स यू कंट्रोल योर वेट एंड मेंटेन इट ओवर टाइम. It is not feasible to be on a weight loss diet forever. A balanced diet is the only way to healthy control your weight in a long term. Improves your mental health. आप physical के साथ साथ balanced diet क्या करिए, physical तो हमें benefit दे रही है, हमें mental health भी को भी क्या कर रही है हमारी, उसको भी बिल्कुल सही रखने का काम कर रही है. Getting the right mix of nutrients. यानी अगर आपकी diet के अंदर क्या है, सारे ही आपके nutrient present हैं, कैन हेल्प टू ईज सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी. ऑब्वियसली अगर आप क्या ले रहे हैं कि हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो हम क्या करेंगे, डिप्रेशन से भी बचेंगे और एनजाइटी से भी बचेंगे. लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ बाई ईटिंग वेल इज एसेंशियल एज यू टेक स्टेप्स टू गुड मेंटल हेल्थ. यानी बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है, एक गुड मेंटल हेल्थ क्या रहती है, बनी रहती है. नेक्स्ट, एक गुड फॉर ग्रोथ. हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है. अ बैलेंस डाइट इज क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन एंड एडोल्सेंट्स. हमारी ग्रोइंग एज कौन सी एज होती है, हमारी जो ग्रोइंग एज आती है, ठीक है, टीनएजर जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी बॉडी ग्रो करती है. फिजिकल जैसे चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट के अंदर चेंजेस आते हैं, वेट के अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ फिजिकल अपेयरेंस के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो क्या है, ग्रोथ होती है. तो फिजिकल ग्रोथ के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बैलेंस डाइट ग्रोथ में भी हेल्प करती है. बेटर स्किन एंड हेयर. अच्छी स्किन के लिए और अच्छे हेयर के लिए भी बैलेंस डाइट क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. A healthy balanced diet also improve your looks. Eating well contributes to healthy skin and hair and a glow that makes you look younger. अगर आपकी अच्छी स्किन है, अच्छे हेयर्स हैं, तो क्या है, हम लोग यंगर लगते हैं. Next, components of a balanced diet. Some components of a balanced diet are as follows. यानी balanced diet के अंदर क्या क्या चीज़ें include होती हैं. Fats, proteins. Fats क्या हैं, some part of our energy requirements is fulfilled by fats. Fats can be found in fatty foods such as butter, ghee, oil, cheese, etc. अब fats क्या हैं, जैसे हमारे carbohydrates हैं, proteins हैं, fats हैं, ऐसे ही हमारी body को क्या है, fat की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, fat क्या है, किन चीज़ों में present है, जितने भी हमारे fatty foods हैं वो हमें क्या करते हैं, energy देने का काम करते हैं. सच एज कौन कौन से food हो गए, butter हो गया, ghee, oil, cheese, इनके अंदर क्या होता है, fat present होता है जो हमें energy provide कराने का काम करता है, जो किसके अंदर आता है, हमारा बैलेंस डाइट के अंदर. यानी एक कॉम्पोनेंट है फैट हमारी बैलेंस डाइट का. नेक्स्ट है प्रोटीन. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आपका है प्रोटीन. वी नीड प्रोटीन फॉर ग्रोथ पर्पजेज एंड टू रिपेयर द सेल्स
एंटीरियर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर आपके सेल्स क्या हो रहे हैं, कुछ इंजरी उनको हो जाती है, वो टीयर हो जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ पर्पसेस के लिए यानी इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। यानी अगर हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो जो फंक्शनिंग है सेल्स के रिपेयर होने की वो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमारा प्रोटीन भी डाइट के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। वी नीड द एनर्जी टू प्रोसेस एंड इट इज़ फुलफिल्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारी बॉडी को क्या है, काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्ब्स प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फाउंड इन राइस, व्हीट। अब ये क्या है, वो फूड्स हैं जिनके अंदर हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, यानी एनर्जी मिलती है जिनसे हमें। राइस हो गया है, व्हीट है, चपाती है, ब्रेड एट्सेट्रा। सीरियल्स आर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का क्या मतलब है, यानी हम जो डेली डाइट में इंक्लूड करते ही करते हैं सीरियल्स, यानी जैसे व्हीट वगैरह हो गए, ठीक है। तो व्हीट सीरियल्स क्या है, हमारी डेली डाइट में होते ही होते हैं। स्टेपल फूड का मतलब होता है जो हम डेली इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड विटामिंस। ये हमारे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, जिनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। विटामिंस, मिनरल्स एंड फाइबर इंप्रूव्स द बॉडी रेजिस्टेंट टू डिसीज। ये क्या काम करते हैं हमारे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिसीज से लड़ सके, यानी डिसीज फ्री रहे। वी मेनली ऑब्टेन इट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जो मेनली हमें किन से मिलते हैं? फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। डिफिशियंसी डिसीज लाइक एनीमिया, गोइटर एट्सेट्रा कैन बी कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल इन बॉडी। अब कुछ क्या हो जाती है, जैसे एनीमिया हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ये क्या है, हमारे विटामिंस की कमी से होने वाली चीज़ें हैं। गोइटर हो जाता है, ठीक है, ये क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिंस और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, यानी हम किस तरह के फूड नहीं लेंगे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं अब हम बिल्कुल भी, हम लोग फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं अपने डाइट के अंदर, तो क्या होगा, इनकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में मिनरल्स की। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग पिरामिड। यानी हेल्दी ईटिंग पिरामिड क्या होता है? अब हेल्दी ईटिंग पिरामिड क्या है कि एक तरह से हम लोगों ने जो फूड्स हमें एक तरह की चीज़ें दे रहे हैं, यानी एक तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, हमने उनको क्या किया, एक तरह से ग्रुप में इकट्ठा करके वो कर लिया है पिरामिड के अंदर। इसमें हमने तीन स्टेजेस बनाई हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे हमारा जो बॉटम वाला है उसके अंदर हमने रखी है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? विटामिंस एंड मिनरल्स, जो किसके लिए ज़रूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रखने के लिए, तो वो हमने पिरामिड के जस्ट बॉटम में लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मिडल वाला है, मिडल वाले के अंदर कौन से आ जाते हैं, हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे मीट वगैरह आ जाते हैं, फिश है, एग है, ये क्या है, ये सारे वो फूड्स हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, कैल्शियम प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, तो उनको हमने क्या किया, एक ही ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉप का है, उसमें हमने लिए सीरियल्स, जो क्या काम करते हैं मेरे में, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट मीट द न्यूट्रिएंट्स नीड्स। एक बैलेंस डाइट क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने का काम करती है। बिकॉज ऑफ द अमाउंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ द फूड सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक्स एंड फॉर द इंडिविजुअल। बैलेंस डाइट प्रोवाइड फॉर पीरियड ऑफ सेफ्टी मार्जिन। इट इज़ अ सेफ्टी मार्जिन ऑफ अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर दोज टाइम व्हेन यू डू नॉट नीड योर न्यूट्रिएंट नीड्स एडिक्वेटली। नेक्स्ट है कि आप दिन में व्हाट यू ईट, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट, व्हाई यू ईट, वे यू ईट। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस 5 वीक प्लान को फॉलो करते हैं, यानी व्हेन यू ईट, क्या व्हाट यू ईट, यानी आप क्या खा रहे हैं, यानी आपको क्या खाना है। यू मस्ट हैव अ बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यानी आपको क्या करना है कि इस तरह के फूड अपनी बैलेंस डाइट में रखने हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने का काम करें, यानी जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, फाइबर हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। एंड जनरली हमें क्या करना है कि रेस्ट्रिक्ट योर सोल्ट एंड शुगर इनटेक, यानी हमें बहुत ज़्यादा सोल्ट, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, तो डायबिटीज़ के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। व्हेन यू ईट, नेवर स्लीप इमीडिएटली आफ्टर योर मील्स, यानी कब आपको खाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और एकदम लेट जाते हैं, एकदम सो जाते हैं, तो वो एक गलत हैबिट है। यानी आपको क्या, इमीडिएटली जैसे आपने मील खाया, यानी फूड खाया, आपने खाना खाया, उसके एकदम बाद नहीं सोना है,
स्लीप आफ्टर एटलीस्ट 2 आवर्स, आपने खाना खाया उसके कम से कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए। एक्सरसाइज ओनली 2 आवर्स आफ्टर योर मील, आपने खाना खाया उसके एकदम बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, कम से कम आपको 2 आवर्स का गैप रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग बिग मील्स हैव स्मॉलर मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका क्या मतलब है कि एक साथ बहुत ज़्यादा ना खा के आपको धीरे धीरे खाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप दिन में ऐसा नहीं कि 2 बार खाया और 2 बार आपने क्या खाया कि दोनों बहुत ज़्यादा, एक बार बैठे खाने तो बहुत ओवर ईटिंग कर ली कि एक ही बार बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा ना करके आपको क्या लेना है कि स्मॉल अमाउंट में आपको मील्स लेने हैं, यानी स्मॉलर मील्स लेने हैं कि आप दिन में 3 बार खा सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा। वेयर डू यू ईट, डिसाइड 1 प्लेस इन योर हाउस और ऑफिस वेयर यू विल ईट योर फूड, एक प्लेस डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ आपको खाना है बैठ के। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है कि टीवी देखते हुए खाना है तो क्या खाते हुए बात करनी है, तो उसका आपके डाइजेशन में बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि आपको कहाँ बैठ के खाना है, कि आपको ऐसा कोई प्लेस सेलेक्ट करना चाहिए आपके होम पे या जो भी आपका वर्क प्लेस है, जैसे ऑफिस में है तो एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट करो कि जहाँ पर बैठ के आप बात ना करो, आराम से अपना फूड खा सको। वाई डू यू ईट का क्या मतलब है कि एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि खा क्यों रहे हैं, वही चीज़ है कि आपको क्या है कि आपकी बॉडी डिसीज फ्री रखनी है, यानी ये नहीं है कि सिर्फ आपके डाइट के अंदर एक ही तरह का फूड, क्या फैटी फूड खा रहे हैं सिर्फ, तो वो क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर फैट ही जाएगा सिर्फ, बाकी ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स नहीं है उसके अंदर, विटामिंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो अदर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी और फैट क्या होगा बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा वेट भी फ्लक्चुएट हो जाता है। नेक्स्ट है वे टू ईट, ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली। अब कुछ लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं कि फटाफट 5 मिनट में खाना खाओ और चले जाओ, वो एक गलत हैबिट है। ईट स्लोली, आराम से खाओ, शांति से बैठ के एंड च्यू प्रॉपरली, यानी क्या करना है कि अच्छे से चबा के खाना खाना है। स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes टू कम्प्लीट योर मील, अगर एक टाइम में आप खाना खा रहे हैं, एक मील ले रहे हैं, तो कम से कम 15 to 20 minutes का टाइम लेके आपको आराम से च्यू करके अपना फूड लेना चाहिए। नेवर ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग योर मील्स, यानी जब आप क्या कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना है, वो एक गलत हैबिट है। ड्रिंक वाटर 20 मिनट्स आफ्टर योर मील, जब आप खाना खा लेते हैं उसके 20 मिनट बाद कम से कम आपको खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है हैबिट्स ऑफ माइंडफुल ईटिंग, यानी कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको होनी चाहिए जो आपको खाना खाने के उसके अंदर। When you eat, just eat, यानी जब आप खा रहे हैं तो खाने पे ही फोकस होना चाहिए, खाना ही खाना है, ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं किसी से, या हो सकता है आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो गलत हैबिट है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, यानी किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे खाने से, बात नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, यानी टीवी देखते हुए आप खाना खा रहे हैं, तो आपका फोकस टीवी पे ज़्यादा रहता है खाने से, और उस टाइम पे क्या होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आपकी भूख भी कम हो जाती है उसकी वजह से, और डाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हैव अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस टू द फूड एज इन बफेट रेस्टोरेंट, मतलब कि एक साथ ना खा के बहुत ज़्यादा, यानी कि आप एक साथ ही पेट भर के बैठ गए और बहुत आपने ओवर ईटिंग कर ली है, ऐसा ना करके आपको क्या करना है कि थोड़ा आपने सुबह खाया, थोड़ा आपने मिड मॉर्निंग में कुछ ले लिया, थोड़ा फिर आपने लंच में लिया है, थोड़ा फिर इवनिंग में लिया है, एंड देन डिनर लिया है, फिर पोस्ट डिनर, तो यानी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आपको क्या करना है फूड को लेना है, एक साथ ना लेके। ईट विद नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी आपको ये नहीं करना है कि जनरली कुछ लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड से खाना खाते हुए फ़ोन चला रहे हैं एंड लेफ्ट हैंड से वो खाना खा रहे हैं, ये गलत हैबिट है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पे फुल अटेंशन टू योर फूड एंड सेवर, यानी जो फ्लेवर है आपके फूड का उस पर आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी आपको क्या करना है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं ना आपको फ़ोन लेना है, ना किसी से बात करनी है, ना टीवी देखना है, ना ही और कुछ करना है, पूरा फोकस आपका खाने पे होना चाहिए, अच्छे से आप उसको देख के पूरा उसको स्मेल करके उसके फ्लेवर को फील करके तब आपको खाना खाना चाहिए। 1 spoon at a time, यानी जल्दी जल्दी ये नहीं करना है कि फटाफट फटाफट आपको 5 मिनट में खाना फिनिश करना है और जल्दी से खाना है। 1 spoon at a time, पुट डाउन द स्पून एंड फिनिश द फूड इन योर माउथ, आपने एक स्पून लिया, स्पून खाया और उसके बाद क्या किया उसको अच्छे से च्यू कर किया आराम से, ये नहीं कि फटाफट खाया देन दूसरा स्पून लिया फूड का फिर तीसरा स्पून, अच्छे से च्यू करके आराम से खाना है। ब्रेथ एंड स्माइल इन बिटवीन स्पून्स ऑफ फूड
आपको क्या करना है कि अच्छे से ब्रीथ करना है जब आप फूड खा रहे हैं, एक स्माइल करना है, देन आपको खाना खाना है। एट द एंड ऑफ द मील, यानी जब आपने क्या किया, अपना मील कंप्लीट कर लिया है, मेंटली से समथिंग नाइस टू द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, फॉर एग्जाम्पल फार्मर, कुक, यानी जो भी आपने मील कंप्लीट किया है। हो सकता है घर में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने कुक किया है, तो आपको क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द मील आपको उनको ये चीज़ बोलिए कि जैसे हाँ खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, थैंक यू फॉर द फूड। तो ये क्या होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।